हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमने पार्ट वन अपलोड किया था, आप सभी ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट वन, तो जल्दी से जाइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट वन पहले देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमने वहाँ पे बेसिक चीज़ें बताई थी, किसे किसे रेशियो कहते हैं, किसे प्रोपोर्शन कहते हैं और किस तरह के रिलेशन होते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हमने बहुत सारे टाइप के सवाल किए थे। अब आइए उसके आगे करेंगे। ये पार्ट टू और ये फाइनल टाइप है। इसके बाद अब कोई भी क्वेश्चंस, किसी भी एग्जाम से क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखिए सवाल ये कहता है कि 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, ये मिश्रण टर्म यूज हुआ है, इसे घबराइएगा नहीं, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। सवाल रेशियो प्रोपोर्शन का ही है ना। यदि कुछ दूध और मिलाया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, तो मिलाए गए दूध की मात्रा बताएं। देखिए टोटल अमाउंट कितना है, 200 लीटर, जिसमें दो चीज़ें हैं, एक दूध है और दूसरा पानी है ना। अब 200 लीटर में दूध कितना है, तो दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे। हमने बताया था आपको कि जो निकालना हो आपको दे रखा है, रिलेशन दे रखा है दूध और पानी का 17:3 है ना। अगर आपको दूध निकालना है तो जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे टोटल दोनों को जोड़कर 17 और 3 कितना हो गया 20, और गुने में टोटल अमाउंट कितना हो गया 200। तो 10 बार में कटेगा और कितना आया 170 लीटर। उसी तरीके से अगर पानी निकालना हो, पानी निकालना हो तो पानी कैसे निकालना है, पानी कितना 3 पार्ट, कितने में से टोटल को जोड़िए 20 पार्ट × 200 कितना हो गया 10 कटेगा, 10 3 से कितना हो जाएगा 30 लीटर, कितना हो जाएगा 30 लीटर। अब सवाल में कहा जाता है कुछ दूध और मिलाया जाता है, तो कितना दूध मिलाया जाता है जी, मान लेंगे 1 लीटर दूध मिलाया जाता है। पानी मिलाने की बात नहीं किया है ना, तो पानी में नहीं मिलाना है, जिसके मिलाने की बात करेगा उससे मिलाएंगे। तो आपको नया रेशियो बोला गया है 7:1 हो जाता है। नया रेशियो बोले तो दूध बटे पानी, तो दूध कितना है 170 प्लस x अपॉन पानी कितना निकाला आपने 30। नया रेशियो क्या बोला इन्होंने 7:1, तो दूध का ऊपर लिखिए पानी का नीचे लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 170 प्लस x इक्वल्स टू 7×21 210। 170 को इधर लेकर जाइए तो x बराबर कितना आ गया 210 में से 70 जाएगा कितना बचेगा 40 लीटर, कितना आएगा 40 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। अगला सवाल चलते हैं। यदि एक परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों का अनुपात इतना है, यदि 5 छात्र और आ जाए और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, तो पास हुए छात्रों और फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है, तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करें, यानी परीक्षा में कितने छात्र आए थे। देखिए आपसे एक सवाल में ये कहा गया है कि एक एग्ज़ाम में जिसमें पास और फेल के पास रेशियो फेल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 और 4 है ना, यानी कि 25 और 4 यानी कि ये पास हुए कितने छात्र हैं 25x और फेल हुए कितने छात्र हैं 4x। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 25 से 4 29x। आप कहते हैं 5 छात्र और आ जाए तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, और फेल जो छात्र हुआ है वो 2 कम हो जाए, यानी फेल के क्या बोला गया है कि 4x-2, तो जो नया रेशियो होगा किसका, पास एवं फेल, तो पास एवं फेल का जो नया रेशियो होगा वो 22:3 हो जाएगा। ठीक है,
अब यानी कि टोटल स्टूडेंट ये हो गया, तो आइए तो अब रेशियो निकालते हैं टोटल अपॉन फेल। टोटल क्या हो गया, 29x + 5 अपॉन 4x - 2 इक्वल्स टू। अब देखिए छात्रों का अनुपात पास और फेल, तो कितना पास कितना हो जाएगा 22 और फेल 3, तो टोटल कितना हो गया 25, फेल कितना है 3, यानी 25/3, क्योंकि हम ऊपर क्या लिखे हैं टोटल, नीचे क्या लिखे हैं फेल, तो हम यहाँ ऊपर भी टोटल लेंगे तो 22 और 3 कितना हो गया 25। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 29 3 * 87x + 15 = 25 - 50। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे, तो 50 और 15 कितना हो जाएगा 65, और 100 में से 87 कितना हो जाएगा 13x = 65। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो गया 13 × 5 = 65, x इक्वल टू कितना आ गया 5। तो पूछा गया है परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करें, परीक्षा में कितने छात्र आए जी, ये टोटल ये आए हैं, ये आए हैं ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 × 5 + 5, 29 × 5 = 145 प्लस 5 कितना हो गया 150, कितना हो गया 150, समझ रहे हैं बात को। हाँ जल्दी से कॉपी में नोट करिए सभी लोग, अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि 2/3 क्या कर रहा है, 2/3a = 75% of b, तब b का 75% कितना हो जाएगा 75/100, b = 0.6c, यानी 0.6 बोले तो 6/10c, ठीक है। आइए अब इसे पहले आपस में मिनिमाइज कर लेते हैं, 25 3 = 75, 25 × 100, 3 × 2 ये कितना कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, यानी कितना आ गया 2a/3 = 3b/4 = 3c/5। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको कैसे सोल्व करेंगे अब इसके आगे इसको सीखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है अक्सर हम यहीं पे फंस जाते हैं। इसके बराबर में क्या मान लेना है, 1 मान लेना है, क्या मान लेना है 1, यानी सब आपस में क्या है इक्वल है। अगर सब आपस में इक्वल है इसका मतलब ये भी इसके साथ इक्वल हो, ये भी इसके साथ इक्वल होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, यानी कि 2a/3 = 1, ए बी इसके बाद 1 के बराबर होगा, यहाँ से a = क्या हो जाएगा 3/2। सिमिलरली 3b/4 = 1, यहाँ से b = क्या हो जाएगा 4, इधर आएगा तो 4 और 4/3, 3c/5 = 1, यहाँ से c = क्या आ गया 5/3। आप पूछा तीनों का रेशियो बताइए, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए कितना आया 3/2, बी कितना आया 4/3, सी कितना आया 5/3। अब देखिए आपके ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं है ना, तो आप क्या कहोगे कि यार ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप घबरा जाओगे, है ना। कभी भी आपको फ्रैक्शन में ऑप्शन नहीं मिलते हैं रेशियो में, तो फ्रैक्शन को हमें कॉमन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं देखिए करके बताता हूँ, एलसीएम लेंगे, किसका लेंगे एलसीएम, डिनोमिनेटर का, यानी 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2, 3, 3 का, 2, 3, 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आएगा बोलिए 6 आएगा। अब जो 6 एलसीएम आया उसको सब में मल्टीप्लाई कर दो,
थ्री जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, तीन त्याई नौ, चार दूना आठ और पाँच दूना दस, मिल गया नौ आठ दस, डी आंसर है ना। तो इस तरह के सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, नोट करिए। अगला सवाल चलते हैं। क्या लिखा, एक जार में दो द्रव ए और बी 4:1 के अनुपात में, यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव बी में डाला जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो मिश्रण ए की शुरुआत की मात्रा ज्ञात करें। देखिए सवाल में है कि ए और बी का रेशियो दे रखा है आपको कितना, 4:1, ठीक है, यानी कि यह आपका कितना है 4x और ये कितना है 1x। कथा इस लीटर इस मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और द्रव बी को डाल दिया जाता है। ये इसका मतलब किसका बी को डाला जाता है, हैं, तो क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। यहाँ पर क्या था, ओल्ड था, अरे क्या हो जाता है न्यू है, ठीक है। अब यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा, बी को निकाला गया तो ए को इक्वल करेंगे, ए को इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें से क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से बता चुका था मैं आपको, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, अब ए बराबर हो गया बी ए हो गया, है ना। अब देखिए यानी कि सवाल ये पूछा गया आपसे कि कितना लीटर निकाला गया, 10 लीटर, यानी 4+1 कितना हो गया, यहाँ से 4+1 टोटल कितना हो गया 5 यूनिट, जो 5 यूनिट है वो 10 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना लीटर के बराबर होगा, 2 लीटर के बराबर होगा। तो ये जो फाइनल आपका है ये 6 और 4 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट कितना के बराबर होगा, 10 × 2 यानी कि 20 लीटर के बराबर होगा, यानी ये हमारा हो गया टोटल सॉल्यूशन में आपसे पूछा गया है कि ए का अमाउंट बताइए, ए की मात्रा बताइए। हमने आपसे बताया था जिसकी मात्रा पूछी जाए उसके ऊपर लिखते हैं, नीचे में दोनों को जोड़कर लिखते हैं, गुना में टोटल सॉल्यूशन लिखते हैं, 5 × 20, 4 × 16 लीटर, कितना आएगा 16 लीटर आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, जरा सवाल पढ़ेंगे आप लोग जल्दी से। सवाल ये कहता है, दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हो जाती है। आइए दो संख्याएं ए और बी मान लेते हैं, एक ये 3x और 4x के रेशियो में है, एक सामने साथ में ले लिया। कहता है प्रत्येक संख्या में अगर 6 जोड़ा जाता है, इसमें भी 6 जोड़ दिया और इसमें भी 6 जोड़ दिया, तो नया रेशियो क्या बन जाता है 4/5, क्या बन जाता है 4/5, ठीक है। अब इसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करिए, 5 3 15x + 30 = 16x + 6 = 24, ठीक है। अब देखो इसमें काम करिए, इसको इधर लेकर आइए, 16 में से 15 गया, x = कितना आ गया 6। तो पूछा दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, अब ये दोनों संख्या का अंतर कितना आया, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर है जी बताइए, 1 का अंतर है, तो 1x बराबर कितना आया हमारा 6, यानी यही आपका क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा 6, ठीक है, ये अंतर है ना यहाँ पे, देखिए
3x और 4x में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो आपका क्या हो गया 1x इक्वल टू 6। आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, 6 3 18, 6 4 24, घटा कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। दिया हुआ है 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 4z, तो आपसे पूछा गया है एक्स वाई जेड का रेशियो बताएं। फिर वही काम करना है, यहाँ मान लेना आपको क्या मान लेना, 1। इसका मतलब ये है 3x जो है वो भी 1 के बराबर होगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। 5y ये भी 1 के बराबर होगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1/5। 4z ये भी 1 के बराबर होगा, तो z बराबर कितना हो गया, 1/4। अब तीनों का आपसे रेशियो पूछा गया है, x रेशियो y रेशियो z, तो 1/3, 1/5, 1/4। ठीक है, हमने बताया था ना कि इस तरह से आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, क्या करना है, नीचे वाला कैल्शियम लेना है। किसे कैल्शियम लेना है, 3, 5 और 4 कैल्शियम लेंगे, एल्शियम कितना आ जाएगा, 60, 5 6 20 60, 60 से गुना करिए सब में, इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी मल्टीप्लाई करिए और इसमें भी मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 15 6 60, 12 5 60, 20 3 60, कितना गया, 20:12, 20:12:15, ये आपका बी आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यदि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है, तो 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए, पिता और पुत्र का दे रखा है रेशियो, यानी पिता रेशियो क्या दे रखा है, पुत्र क्या दे रखा है, 5:2, यानी पिता का उम्र कितना है, 5x और पुत्र का उम्र कितना है, 2x, दोनों गुना करिए, 5x इंटू 2x बराबर कितना दे रखा है उन्होंने, 1000, तो 10x² इक्वल टू कितना हो गया, 1000, 0 0 कटेगा, 1 और कितना हो जाएगा, √100 यानी 10, कितना हो गया, 10। अब 10 हो गया तो ये वर्तमान आयु क्या हो गया, 5 × 10, 5 × 10 यानी 50, और ये कितना हो गया, 2 × 10 यानी 20। ठीक है, तो पूछा 10 साल बाद दोनों की आयु क्या होगी, 10 साल बाद पिता की आयु, अभी पिता की उम्र 50 साल है, तो 10 साल बाद क्या होगा, 60 साल होगा, क्या होगा, 60 साल होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर चलते हैं। यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 48 है, तो उनका योग ज्ञात करिए। दो संख्याएं ए और बी कितना है, 3:4, जब भी अनुपात से हम नंबर को हटाते हैं तो एक एक्स लगाते हैं, 3x और 4x, कोई एक अननोन क्वांटिटी लगाते हैं ना, दोनों का एलसीएम कितना होगा जी, 3x और 4x का एलसीएम कितना होगा, जो कॉमन पार्ट होता है उसको एक बार लिखा जाता है और जो कॉमन पार्ट नहीं होता उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, 4 3 12x, अरे 12x बराबर कितना दे रखा है इन्होंने, 48, जहाँ से x बराबर कितना हो गया, 4 आ गया ना, कितना गया, 4, तो पूछा गया उनका योग ज्ञात करिए, 7 4 और 3 7x, योग कितना हो गया, 3x
प्लस 4x इक्वल्स टू 7x इक्वल्स टू 7 × 4 28, कितना हो गया 28। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। ए बी और सी की मासिक आय 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि सी की मासिक आय 12,000 रुपये है, ज़्यादा है ए की मासिक आय से, तो बी क्या है बताइए। तीन लोग हैं ए बी सी, ए की मासिक आय, तीनों का रेशियो क्या है 2, 3 और 5, यानी ये आपका कितना है 2x, नहीं एक्स मत मानिए, डाइट बन जाएगा। देखिए क्या बोला गया, सी की मासिक आय जो है ए से ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है सी की मासिक आय ए से कितना ज़्यादा दिख रहा है, तो 5 - 2 कितना आया 3 ज़्यादा है। ये जो 3 ज़्यादा है वो कितना के बराबर है, 12,000 रुपये के बराबर है। तो एक कितना के बराबर होगा, 4,000 रुपये के बराबर होगा। तो बी क्या है, बी क्या है कितना 3 है, तो 3 कितना के बराबर होगा, ये फिर अगेन कितना हो जाएगा, तो बी की कितना हो जाएगा 3 × 4,000, यानी कितना आ गया 12,000 आ गया। ठीक है, आप ये नहीं भी निकालते तब भी अंतर आता, क्योंकि 3 = 12,000 और बी की 3 = पूछा भी गया है 12,000, लेकिन ये मासिक नहीं पूछा है, ये वार्षिक पूछा है। एक महीने में 12,000 कमाता है, तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 1,44,000। ये बी आंसर होगा, 1,44,000। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एक स्कूल में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:3। कुछ नए लड़के व लड़कियों 5:7 में दाखिला हुए, तो कुल छात्र 12,000 हो गए, तथा लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो कुल छात्रों का शुरुआत में कितनी थी। आइए देखिए, कहता है कि स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में बॉयज वर्सेस गर्ल्स कितने थे, 5:3, यानी ये था 5x और ये थे 3x, दोनों मिले कितना हो गए 8x। ठीक है, अब कहता है कि कुछ न्यू ज्वाइनिंग हुई, कुछ न्यू कमर्स आए। न्यू कमर्स कौन कौन आए, बॉयज वर्सेस गर्ल्स ही आया, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए क्या आया 7:5। तो मान लेते हैं ये 7y आया और 5y आया, तो दोनों मिले कितना हो गया 12y। अब कहता है ये पुराने स्टूडेंट थे, ये नए स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गए, ये दे रखा कितना हो गए 1200 हो गए, यानी 4 कॉमन ले लिए कितना बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 300 बचेगा जी। अब ये 300 बचा। अब ये सवाल में कहा गया है, अब सवाल में कहा गया है कि तो तथा लड़के और लड़कियों के अनुपात इतना हो जाता है। अब देखिए, लड़के पहले लड़के कितने थे 5x बॉयज अपॉन गर्ल्स, पहले बॉयज कितने थे 5x, फिर बाद में बॉयज कितना आए 7y अपॉन, पहले गर्ल्स कितनी थी 3x, बाद में गर्ल्स कितने हो गए 5y, ये रेशियो कितना दे रखा है 7:5। यहाँ से कैलकुलेट करके हम रिलेशन निकाल के x और y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25x प्लस 35y इक्वल्स टू 21x
प्लस 35 वाई, ठीक है, सात यही, सात पंजे 35 वाई, पंद्रह से 25 एक्स, सात 21 एक्स, हमने कहीं मिसिंग कर रहे हैं क्या? पहले बॉयज था 5x, फिर आया 7y, पहले था 3x, अब कितना हो गया लड़के लड़कियों में 7 to 5, ठीक है। यहाँ तो हमारा क्या निकल गया, समथिंग इज मिसिंग हो रहा है कहीं पे। पहले बॉयज था 5 into 3, ये 8 हो गया, फिर 7, फिर आपके नए लड़के, देखो यहाँ उल्टा लिखा गया, सॉरी, नए लड़के लड़के जो आए वो 5:7 में आए हैं, है ना, यहाँ पे गलती लिखा गया है। हमारा इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो 12y यहाँ आएगा, है ना, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे जो आए थे 5:7 यानी 5x, 5y और ये आए थे 7y, ठीक है। तो 5x प्लस 5y, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ, पहले बॉयज कितने थे 5x, फिर बाद में कितने बॉयज आए 5y, पहले लड़कियाँ कितनी थी 3x, बाद में लड़कियाँ कितनी आई 7y, ये क्या हो गया 7/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25x प्लस 25y इक्वल्स टू 21x प्लस 49y, ठीक है 49y। अब 25 में से 21 जाए कितना बचेगा 4x इक्वल्स टू 49 में से 25 जाए कितना बचेगा 24y, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 6y, x बराबर 6y हो गया। अब यहाँ से पूछा गया है कि शुरुआत x बराबर 6y हो गया है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 12y प्लस 3y कितना 15y, यानी कि 15y इक्वल टू कितना हो गया 300, तो y इक्वल टू कितना हो गया 20, y की वैल्यू 20 आ गया, तो x वैल्यू कितना आ गया 120, कितना आ गया 120, ठीक है। अब पूछा गया कि शुरुआत में कितने बंदे थे, तो कितने थे 8x था, कितना था 8x, तो कितना हो गया 8 × 120, 12×96 कितना हुआ 960, कितने बंदे थे 960 बंदे। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट था क्योंकि ये थोड़ा बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा लंबा गया है ना, अच्छे से आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और 15 साल बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है, तो माया की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इनके कौन कौन है, माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 6x/5x, 15 साल बाद यानी 15 साल इसमें भी जोड़िए और 15 साल इसमें भी जोड़िए, यह आयु कितना जाती है 9/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 8×6 = 48x प्लस 120 इक्वल्स टू 45x प्लस 135। अब इधर से इधर ले आओ इसको, इसको इधर से इधर ले चले जाओ, 48 से 45 कितना बचेगा 3x इक्वल्स टू 15, तो 1 फिर कितना हो गया 5। तो माया की वर्तमान आयु कितनी है, कितनी है जी बताइए 6x है, तो 6x बराबर कितना हो गया 6×5 यानी कि 30 वर्ष, कितना आ गया 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या व योग दूसरी संख्या 52 के योग के बराबर है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए तीन संख्याएं दे रखा आपको ए बी और सी, 3:4:5 के अनुपात में दे रखा है। अब कहता है सबसे बड़ी संख्या जो है, मान लेते हैं इसे थ्री, इसको 3x मानो, इसको 4x मानिए, इसको 5x मानिए। सबसे बड़ी संख्या है 5x, सबसे छोटी क्या है 3x, कितना हो गया 3x प्लस 5x। और कहता दूसरी संख्या जो है 4x प्लस 52 के बराबर है, तो 8x में 4x कितना बचेगा, 4x बराबर 52, तो x बराबर कितना हो गया 13, x वैल्यू आ गया 13। तो पूछा गया है सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3x है, तो 3x कितना हो गया 13 × 3, 39 है ना, कितना हो गया 39। ये आपके हो गए आंसर। चलिए अगले सवाल चलते हैं। एक बर्तन में ए और बी 7:5 के अनुपात पे जब 9 लीटर मिश्रण को निकाल कर इसमें द्रव बी को मिलाया जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है, तो ए को शुरुआत में कितनी मात्रा थी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ए और बी 7:5 के अनुपात में है, ठीक है, यानी कि ये 7x और दूसरा 9x, यानी ये आपका क्या है, ये आपका ओल्ड है। न्यू क्या बोला गया है, 7:9 होना चाहिए। देखो हमें B के बारे में निकाल घटाव करना है, तो मिश्रण क्या है, A आपका बराबर है, यानी कि कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना, 4 का डिफरेंस है, ये कितना के, ये 4 मान लीजिए, ये 5x था, 9x हो गया, यानी 4x बराबर कितना हो गया 9, तो x बराबर कितना हो गया 9/4, ठीक है। अब x बराबर 9/4 हो गया तो आपसे पूछा गया है कि शुरुआत में a की मात्रा कितनी थी। अब देखिए x बराबर 9/4 आ गया तो टोटल फाइनल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, 9 और 7 16, 16x यानी कि 16 × 9/4, 4 × 16 यानी 36 लीटर, यह आपका आ गया टोटल मिश्रण, सॉरी टोटल लिक्विड, टोटल। और आपसे पूछा गया एक की शुरुआती मात्रा, एक की कितना है 7 है, जो आपसे पूछा जाता है उसको क्या कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है एक की शुरुआत मात्रा, जो पूछा गया उसको ऊपर लिखना है, नीचे दोनों को जोड़कर लिखना है, गुणे में 36 लिखना है, 12 × 36, 7 × 21, कितना गया आपका आंसर 21 लीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौरानवे को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का पांचवा हिस्सा दूसरे के आठवें हिस्सा का हिस्सा 3:4 के अनुपात में है। आइए 94 को दो भागों में बांट रहे हैं, अगर एक भाग x है दूसरा कितना हो जाएगा, 94 माइनस x होगा, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 94 आ गया है ना। अब कहा गया है कि पहले का पांचवा हिस्सा, यानी पहले का इसका पांचवा हिस्सा x/5 और दूसरे का आठवां हिस्सा किस रेशियो में है, ये जो रेशियो है वो किस रेशियो में है, 3:4 में है, यानी कि
एक्स अपॉन फाइव जब ये होगा तो ऊपर चला जाएगा, एट अपॉन 94 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3/4। तो पहला हिस्सा बताएं कितना है, यानी x की वैल्यू निकालना है, x वैल्यू निकालिए तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ तक दो ऑप्शन है, या तो इसको सोल्व करिए और नहीं तो ऑप्शन से वैल्यू उठा के पुटअप करिए, आपको जो सूटेबल लगे। चलिए मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। 8x इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32x। इधर कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60 के 0, 15 × 135 = 6, 141, 1410 माइनस 5 × 3 = 15x। इसको इधर लेकर आ जाइए तो 32 × 15 कितना हो जाएगा, 47x = 1410। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1410/47 कितना जाएगा, 47 है ना। तो पूछा गया पहला हिस्सा बताना, आपको x बताना है 90। एक मिनट, कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60 के 0, 15 × 135 = 135 और 6 = 141, 1410 माइनस 5 × 6 = 15x, 15 × 8 = 32, 32 × 15 = 47x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कितनी बार में कट होता है। आई थिंक 10 बार में करेंगे तो 470, 20, 30 बार बार हम करते हैं कितना आता है, 30 बार में कटेगा, कितना कटेगा ये 30 टाइम, क्योंकि 47 चाहिए कितना आता है 141 होता है, 30 बार में कितना आएगा 30। यानी ये 30 है, एक 30 है तो दूसरा कितना हो गया 94 - 30 यानी 64। दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, 30 ऑप्शन मिला इसको टिक मार देंगे, ठीक है जी। अगले सवाल चलते हैं। ए बी सी तीन बल्लेबाज हैं, उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात क्रमशः ए अनुपात बी इक्वल टू 5:3, बी अनुपात सी, ये देखा तीनों मिला के इतना रन बनाते हैं तो बी का रन बताइए। देखिए सवाल ये पूछा गया है, दिया हुआ है कि तीन बल्लेबाज हैं ए बी सी, ए और बी का रेशियो दे रखा है 5:3, बी और सी का रेशियो दे रखा है 4:5। हमने बताया था ना कि तीसरी सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले ए बी सी का निकाल लेते हैं, तो खाली जगह किससे भरेंगे बताइए, पड़ोसी से। पड़ोसी कौन है भाई, इसका पड़ोसी कौन है, ए का 4, सी का बी 3, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 20, 4 × 12 और 5 × 15। आपसे पूछा गया है बी का रन बताइए, जिसका पूछा जाएगा उसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, नीचे तीनों को जोड़कर लिखेंगे, 20 × 12 = 32 × 15 = 47, टोटल में क्या लिखेंगे 564, क्या लिखेंगे 564। इसको कट करते हैं कितना बार में आएगा, देखिए 12 × 48, हाँ 12 बार में कटेगा, 12 × 144 कितना गया 144 रन बनाया इसने, है ना, 150 से चूक गया बेचारा। चलिए अगले सवाल चलते हैं। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है और यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई जाती है, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। हम सवाल ऐसा कर चुके हैं, देखिए दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में कितना था 60 लीटर, 1 माइनस कितना निकाला गया है 6 लीटर, कितना में से 60 में से, यह प्रोसेस कितना बार किया गया है, दो बार ये किया गया, एक बार यानी तीन बार किया गया, पावर 3, 6 दहें के 60 और क्या गया आपका 60, 10 में से गया तो 9/10, 9/10
और 9/10, ठीक है। 8 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 7 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 729 गुने 6, 9 6 56, 9 6 54 के 4, 6 2 12, 12 5 17 के साथ, 46 1 43, यानी कितना आ गया, 43.74 लीटर। सी आंसर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। फॉर्मूला क्या था बताया था ना, कितना स्टार्टिंग में लिया गया था, इनिशियल वैल्यू इनटू 1 माइनस जितना निकाला गया, रिमूव किया गया जितना, अपॉन इनिशियल वैल्यू अपॉन में जितना पावर में जितना टाइम्स किया गया है, ये न्यू अमाउंट निकल जाएगा इससे, है ना। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है। ए और सी की कुल वार्षिक आय इतना है तो बी की मासिक आय बताएं। देखिए तीन लोग हैं, ए बी और सी, ठीक है, 1:3:7 के अनुपात में है, ठीक है। आइए ए और सी की कुल वार्षिक आय आपको दे रखा कितना, 80,000, एंड इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 और 1 प्लस करिए कितना आ गया, 8, 8 बराबर कितना है, कितने जीरो हैं, 5 जीरो, यानी 8 लाख, 8 लाख। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 लाख, 8 बराबर 8 लाख, तो 1 बराबर 1 लाख। आपको निकालना बी का 3, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 लाख, कितना होगा, 3 लाख। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ए और बी व सी, ए और बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है, और यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1,000 ज़्यादा है तो बी की आय ज्ञात करें। जो क्या सवाल में कहा गया है, ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी सी, ए और बी की रेशियो क्या दे रखा, 3:2, बी और सी का रेशियो क्या दे रखा है उन्होंने, ये भी 3:2। तो आइए पड़ोसी से भरेंगे, 3 से और 2 से कितना हो गया, 9 6 4। कहता है ए की आय का तीसरा भाग, ए की आय का तीसरा भाग बोले तो 9/3 कितना हो गया, अब अगर इससे एक्स मान लो, 9x 6x 3x, चलो ऐसे मान लो, कितना आगे कट जाएगा, 3x। और क्या बोला है, और सी की आय के चौथे भाग यानी 4x/4 यानी 1x आ गया, यानी 3x - x = कितना है, 1000। तो 2x पर कितना हो गया, 1000, तो x पर कितना हो गया, 500। तो b की आय कितनी है, 6x, तो c x बराबर कितना हो गया, 3000। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। दो संख्या मान लिया कि x और y है, इनका योग का वर्ग स्क्वायर इनके गुणनफल के 4 गुना यानी 4xy के बराबर है, तो संख्या का अनुपात क्या होगा, निकालते हैं अनुपात, निकालते हैं x² + y² + 2xy = 4xy
है ना। अब इसको बी इधर लेकर आइए, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू एक्स वाई में से फोर एक्स वाई कितना बचेगा, माइनस टू एक्स वाई बचेगा, इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, एक्स बराबर क्या हो गया वाई, यानी कि वन इज टू वन, वन इज टू वन। ठीक है, जब बराबर आ गया तो दोनों को वन वन के रेशियो में, ठीक है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 480 सिक्के 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के रूप में हैं, उनका मान इतना दे रखा है। देखिए जब भी आप देखना यहाँ पे अगर सिक्का लिखा रहे, टोटल में अगर सिक्का दिया रहे, आप ये समझना ये उनके रुपयों का अनुपात दे रखा है। अगर यहाँ पे रुपया दे दे तो यहाँ पे सिक्कों का अनुपात देगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कितने तरह के सिक्के हैं, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। उनका मान क्या दे रखा है इन्होंने, 5x 3x और 1x, ये रेशियो है ना। हाँ, हम ये क्या बताया भी हमने कि इनका मान दे रखा है, यानी कि रुपयों का अनुपात दे रखा है। अब ये रुपयों का अनुपात दे रखा है तो हम सिक्का में नहीं, वो सिक्के से कंपेरिजन नहीं कर सकते ना, यानी हमें सिक्के में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास 5 रुपये हैं और सारे 50 पैसे के सिक्के हैं तो कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्का, क्योंकि एक 50 पैसे में कितने होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, सॉरी 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास 3 रुपये हैं और सारे 25 पैसे के सिक्के हैं तो कितने सिक्के होंगे, एक में 4 होता है तो 4 तिहाई 12x। अगर आपके पास 1 रुपये है सारे 10 पैसे के सिक्के तो कितने होंगे, 10x। और सबका वैल्यू कितना है, 480। तो पूछा गया है प्रत्येक सिक्कों का मान बताइए। अगर आपको 50 पैसे के सिक्के की निकालना है तो इसका ऊपर लिखेंगे 10 अपॉन में, सबको जोड़ दीजिए, 20 12 32x इंटू 480, x कटेगा, 32 से काटिए इसको, 32 से कम 32, 32 15 ही कितना आ गया, 150। सिमिलरली 25 पैसा का निकालना है तो अब ये 15 आ गया, ये कितना का 12 गुने 15 कितना आएगा, 12 गुने 15 180। अगर आपको 10 पैसे के सिक्के निकालने हैं कितना होगा, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10x 10 इंटू 15, ये भी कितना हो गया, 150। ठीक है, तो ये आपके सारे सिक्के निकल गए, यानी आपका कौन सा आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। पैंतालीस नंबर को देखिए, 300 की राशि को पी क्यू और आर में विभाजित किया गया है, जबकि पी क्यू पी से 30 रुपये अधिक व आर क्यू से 60 रुपये अधिक प्राप्त करता है। देखिए तीन लोग हैं, पी क्यू और आर, कहता है क्यू जो है वो पी से 30 रुपये अधिक प्राप्त करता है, यानी कि, और आर जो है वो क्यू से 60 रुपये अधिक, यानी कि अगर पी 100 रुपये प्राप्त करता है तो एक्स प्लस 30 प्राप्त करता है, 30 रुपये अधिक प्राप्त कर लिया, क्यू जो है पी से 30 रुपये अधिक ले लिया, आर क्यू से 60 रुपये अधिक लिया, यानी कि एक्स प्लस 90, और तीनों को मिला कितना है, 300 है, यानी एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 90 इक्वल्स कितना है, 300 है। कितना होगा आपका, 3x प्लस 120 इक्वल्स टू 300, तो 3x हो गया कितना, हो गया 180, ज़्यादा के माइनस हो जाएगा तो, है ना, तो x हो गया कितना, हो गया 60, x की वैल्यू आ गया 60। तो पूछा है तो उनका अनुपात बताइए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करिए,
पी क्यू आर का। पी आपका हो गया 160 और ये हो गया 60 30 90 और हो गया 90 और 60 150। तीनों का जीरो से जीरो कट करिए, 3 2 जा 3 3 जा 3 5 जा 2 रेशियो 3 रेशियो 5। बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 76 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक और बी को सी से 6 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो उसके हिस्से का अनुपात बताइए। बिल्कुल सिमिलर सवाल है। तीन लोग हैं, कौन कौन? ए, बी और सी। कहा जाता है ए को बी से 7 रुपये अधिक और बी को सी से 6 रुपये अधिक, यानी सी को अगर 100 रुपये मिलता है तो बी को 1 + 6 रुपये मिलेगा। अब ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलना है तो वो कितना मिलेगा? 1 + 13, 7 और 6 13। तीनों का जोड़ कितना के बराबर है? 76 रुपये के बराबर है, यानी कि 3x + 19 = 76। तो 3x = कितना हो जाएगा? 57। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 19। कितना आ गया? 19। तो तीनों का वैल्यू बताइए। ए देख कितना हो गया, 19 और 13, 19 और 13 कितना हो गया? 32। बी कितना हो गया, 19 और 6 25, और सी आपका आ गया 19। तो 32 25 और 19 आपका बी आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं, तो उनकी चालों का अनुपात बताइए। देखिए सवाल में दिया हुआ है पुलिस और चोर। पी का मतलब आपको क्या है? पुलिस। और टी का मतलब क्या होगा? थिप चोर। यानी पुलिस के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, पी अपॉन टी क्या हो जाएगा? 7/5, यानी 7:5। ठीक है, यानी पुलिस और चोर का क्या आ गया रेशियो? 7:5। ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया ना, ये डिस्टेंस का आ गया। अब चोर दरोगा कितना चलता है? 8 कदम। तो पुलिस का 8 कदम चोर के 10 कदम, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 कदम में 7 मीटर दूरी चलता है। 10 कितना चलेगा? 8 × 7 = 56। और चोर 1 कदम में 5 मीटर दूरी चलता है तो 10 कदम में 50। इसका रेशियो पूछा गया आपसे 28:25, 28:25। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:2:5 के अनुपात में। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है? यहाँ पे रुपया दे दिया है। जब यहाँ पे रुपया दे दिया है, इसका मतलब ये जो दिया है वो सिक्कों का अनुपात दिया है। यहाँ पे बोल भी दिया है सिक्के के अनुपात, यानी 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 3:2:5 के रेशियो में हैं। ठीक है, 3:2:5 के रेशियो में ये सिक्कों का अनुपात दे दिया ना, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? रुपयों का अनुपात निकालेंगे पहले। सबका तो एक्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालेंगे हम यहाँ से पहले? रुपयों का अनुपात। अब अगर आपके पास एक रुपए के तीन सिक्के हैं, कितने रुपए होंगे? 3x। 50 पैसे के 2 सिक्के कितने होंगे? 1 रुपए होंगे, 1x। और 25 पैसे के 5 सिक्के कितने हो जाएंगे आपके पास?
₹1.25, सबको मिला के कितना है, ₹252। तो आपसे पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या बताएं। तो 25 पैसे के जो आपसे पूछा जाए उसको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है 1.25, एक सौ पौन सबको जोड़िए, 3 × 4 5.25 इंटू में क्या लिखना है 252। एक से एक्स कटेगा, डबल पॉइंट से डबल पॉइंट कटेगा, ठीक है। अब ज़रा इसको हम इसको कैसे कट करिएगा, 25 × 5 = 125, 25 × 50 दो बचा यानी 21, 21 से गुणा करेंगे इसको, 21 से कम 21, 21 × 2 = 42, 25 × 50 एक बचेगा, दो बचेगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25 चार, और 21 × 2 = 42, 12, 12 × 5 = 60। कितना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, सॉरी हमने गलती कर दिया यहाँ पे, यहाँ से एक सी वैल्यू आपको सिर्फ निकालना था, यहाँ से क्या करें देखिए, सबकी ऐड ऑन करके दे रखा है, ऐड ऑन करके कितना आया सबको जोड़िए, कितना आया 6.25x 3 × 4 = 5 5.25x इक्वल्स टू ये ₹252 के बराबर है। तो यहाँ से x निकालते हैं, 252/5.25, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, पॉइंट हटाएंगे तो 00 यानी कि आपसे हो जाएगा 21 25 21 और 25 चौके 100, 21 से कट कटेगा कितना बार में, 12 चौके 48, एक से वैल्यू कितना गया 48। आपको निकालना है 25 पैसे से कितना संख्या है 5x, 5 × 48 कितना हो गया 8 × 5 = 40 के 0, 5 × 20 और 4 × 24 240 सिक्के, ठीक है। तो ये थे आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे सवाल, सारे टाइप के सवाल हम लोगों ने किया। अब आप कोई भी बुक के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक्स मिक्सचर एंड एलिगेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू सो मच।